दबंग बिहार स्टार टीवी से रिपोर्टर मोहम्मद महफूज उर्फ मुन्ना। इस वक्त हम है सीतामढ़ी जिला में और सुरसन प्रखंड में, और यहाँ हम है सिम्मा ये अंगद हनुमान किला कुम्मा जो मंदिर है। तो यहाँ कुछ लोग आए हुए हैं बाबा धाम से और कुछ जा भी रहे हैं, तो जा। और ये सावन का महीना है, सावन का महीना है, सावन के महीना में बहुत अच्छी अच्छी हर चीज़ यहाँ है भगवान के तरफ से। तो ज़रा हम इनसे बात करेंगे ये लोग से कि क्या आप लोग मन्नत मान के आए हैं और क्या लेके गए और क्या लेके आए हैं। तो हमारे कैमरामैन जरा दिखलाइए, यहाँ हम जो मंदिर देख रहे हैं और सामने देख रहे बस है, ये जो बस से आए हैं, कार से आए हैं, अपना व्यवस्था करके हर चीज़ करके गए हैं, खर्चा करके गए हैं और आए हैं। तो चल रहे हैं यहाँ पे कुछ है, जरा हम इनसे बात करते हैं। हाँ चाचा, क्या नाम है आपका? राम प्रधान शिवाजी। तो चाचा कहाँ गए हुए थे? बाबा धाम। किस लिए? बोलिए। अरे देश के कल्याण के लिए। अच्छा। राज्य के कल्याण के लिए। अच्छा। ग्राम कल्याण के लिए। अच्छा। उसके बाद पूरे जितने सदस्य हैं सबके परिवार के लिए कल्याण। अच्छा, के लिए। अच्छा। तो वहाँ जाके आपको क्या महसूस हुआ, कुछ हम जानना चाह रहे हैं। बहुत अच्छा महसूस हुआ। अच्छा। और यहाँ जो आप आए हैं वापसी में, तो यहाँ आराम करने के लिए और खाना खाने के लिए बैठे हैं सब आदमी? हाँ बैठे थे, बट यहाँ भी बहुत अच्छा व्यवस्था है। अच्छा। कि ना मंदिर की तरफ से भी। हाँ। और बहुत आनंद आया। अच्छा। आप सब से मिलकर। चलिए चलिए। अच्छा बाबा, घर कहाँ है आपका? घर तो पड़ता है सिवान डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, सिवान डिस्ट्रिक्ट बिहार में। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो चल रहे हैं यहाँ पे और भी बाबा है, जरा इनसे भी बात करेंगे। हाँ बाबा, क्या नाम है साहब? बैठिए बैठिए साहब, बैठिए ना। तो सर आप भीड़ भाड़ लगाए हुए कहाँ गए हुए थे? बाबा धाम से होते हुए जनकपुर। अच्छा, जनकपुर धाम घूमने गए। अच्छा धाम। तो क्या बाबा से कुछ मांगे भी है? मांगे अपने पूरे परिवार, अपने पूरे समाज और अपने देश की भलाई के लिए। बाबा अच्छा। के सामने सर झुकाने गए। अच्छा। माता के दरबार में सर झुकाने। अच्छा। देश का, समाज का, पूरा अपना सबका भला हो इसके लिए। अच्छा, एक चीज है जो ये महीना सावन का है, तो सावन के ही महीना में वहाँ बाबा उपस्थित होते हैं? मैंने ऐसे तो बाबा जहाँ देखिए सब जगह है, सभी समय उपस्थित है। अच्छा। लेकिन कुछ विशेष, कुछ समय का विशेष महत्व होता है। जी। जैसे भगवान भोले शंकर के लिए अपना सावन का बहुत अपार महत्व है। अच्छा। इसीलिए सावन में उनका विशेष ढंग से पूजा होता है भगवान। अच्छा, 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 भोले शंकर पूजा। इसीलिए सावन में हम लोग मैंने स्पेशली उनके लिए करके इतना कष्ट उठा के जाते हैं। तो एक चीज है, घर पे तो पूजा करते होइएगा अपने टोला मोहल्ला में? हाँ जी करेंगे। अच्छा अच्छा, तो चलिए और भी चाचा है, जरा इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? तो चाचा पान खा रहे, खून मुस्कुरा भी रहे, कहाँ गए हुए थे? हम बमजी यूपी से चल के। अच्छा। बिहार होते हुए झारखंड में। अच्छा। झारखंड में बाबा का दर्शन किए। अच्छा। और उसके बाद चले गए छिदमस्तिका। अच्छा। छिदमस्तिका से गया होते हुए वापिस होके आ रहे हैं। अच्छा। अब जाएंगे जनकपुर, जनकपुर के बाद धनसा धाम, धनसा धाम से होते हुए चले जाएंगे हम पशुपतिनाथ नेपाल। अच्छा। और उसके बाद उधर से लौटते हुए गोरखनाथ का दर्शन करते हुए। अच्छा। यूपी में बनिया के गढ़वा का। तो चाचा इसमें तो खर्चा आपका बहुत लगा होगा, मोटा मोटी 2-4 हजार से तो कम नहीं लगा होगा। काम आप क्या करते हैं? हम तो रिटायर हैं। अच्छा। बैंक से रिटायर्ड हैं। अच्छा। कुछ व्यापारी लोग हैं, कुछ किसान लोग हैं। अच्छा। कुछ परिवार है। अच्छा। साल में एक मरतबा, एक 15 दिन 20 दिन 25 दिन के लिए हम लोग निकलते हैं। अच्छा। 2 साल से लॉकडाउन की वजह से सब बंद था। जी जी। इस साल निकले जी। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात आपसे बाबा बात करके। और यहाँ पे और भी चीज है, जरा दिखलाइए हमारे हमारे कार का भी दिखलाइए। आइए और देखिए, ये है कार। आइए और आगे जो लिखा हुआ है श्री जंगली बाबा कांवरिया गृह क्षेत्र गरबारा बलिया हिरबू क्षेत्र यूपी। तो चल रहे हैं, जरा हम इनसे बात करेंगे। हमारे कैमरामैन पीछे हो। यहाँ सर क्या नाम है आपका? उपाध्याय। अच्छा। तो सर घर आपका कहाँ है? बलिया जिला में। बलिया जिला। तो अपने बिहार में यहाँ जो
जो सीतामढ़ी जिला में आए हैं, क्या करने आए और क्या कीजिएगा? जाएंगे वहाँ पर सीतापुर जाएंगे। अच्छा, सीतामढ़ी। अच्छा, बाद जाएंगे जनकपुर जाएंगे जी। जनकपुर से पशुपतनाथ बाग धरतल दर्शन करेंगे जी। और उसके बाद गोरखपुर होते गोरखनाथ का बाबा का मंदिर का दर्शन करेंगे जी जी। उसके बाद अपने घर चले जाएंगे जी। तो चाचा एक चीज है कि सावन के महीना में भीड़ भाड़ फिर का है, ये 11 महीना फिर क्यों नहीं है, इसका हमको सावन, चाहिए सावन का महत्व पार्वती पर्व है जी। शंकर भोलेनाथ का ये सावन में पूरा पूजा होता है। अच्छा। सावन का सोमवार का पूजा होता है। हाँ। जितना भी सोमवार है जी जी बहुत भीड़ लगता है। उसके बाद भी शंकर जी के स्थान पर थोड़ा कम भीड़ रहता है। अच्छा। बासुकीनाथ के यहाँ या जो भोले बाबा है दर्शन करने के लिए दर्शनार्थी लोग जाते हैं। दो साल पर तीन साल पर तो खुला है, कोरोना जी, काल जी, में बंद था जी। अब खुला है तो लोग वहाँ पर दर्शन करने के लिए लोग जा रहे हैं। अच्छा। और इसमें थोड़ा ये है कि लोगों को कुछ समय मिल जाता है यहाँ जाने के लिए वहाँ जाने के लिए परिक्रमा करते हैं लोग। अच्छा, एक चीज है जो आपके घर में जो माता और पिता है, क्या उनको मानते हैं कि नहीं मानते हैं? माता पिता का दर्शन करके और हमारे माता पिता तो गुजर चुके हैं जी जी, फिर भी जितना हमारे वहाँ पर देवता लोग है हाँ, सबका हाँ। सबका सबके यहाँ जाकर दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद उनसे मानता मांगते हैं कि भाई सुख शांति रहे घर में और परिवार सुख रहे, देश सुख रहे। और बारिश तो हो नहीं रहा है जी, बारिश के लिए भी हम लोग ये कर रहे हैं कि भाई तो बाबा की यहाँ बारिश के लिए मांगे हैं तो जिस दिन मांगे हैं जाकर ढल डाल रहे हैं, हमारे यहाँ बारिश हुआ है उस दिन बाबा के यहाँ बारिश हुआ है और बारिश होगा, जरूर होगा बारिश। सावन महीने में बारिश होगा, सभी लोग सुखाल हो जाएंगे। मतलब सावन महीना में बारिश का मौसम बना रहता है। अच्छा अच्छा, इसलिए सावन महीना में पूजा पाठ होता रहता है, इसीलिए करते हैं। तो चलते हैं और भी यहाँ पे है, जरा हम उनसे भी बात करेंगे। आइए, हमारे कैमरामैन ये बोर्ड का दिख रहा है और यहाँ देखिए, ये जो हमारे हैं श्री शाहिद अली खान के माध्यम से ये बना हुआ है और हम यहाँ के सरकार से और यहाँ के नेता से और यहाँ के विधायक एमपी से भी अनुरोध करते हैं, पीछे होइए, पीछे होइए ना, मेरा अनुरोध करते हैं कि ये बाहरी के यात्री सब आते हैं, इनको बैठने में रहने में सोने में थोड़ा दिक्कत होता है तो इनका व्यवस्था अच्छा से अच्छा सरकारी विभाग से यहाँ 2-4 रूम मकान बनाया जाए। तो हाँ सर, क्या नाम है आपका? तो पप्पू जी यहाँ क्या करने आए हैं? अच्छा, दर्शन कर लिए हैं कि अभी करने जा रहे हैं? तो वहाँ क्या क्या मांगिएगा बाबा से? अब तो हम मांगेंगे, अब उसको भी रखें कि ऐसी शौक से जा रहे हैं भोज उज खाने के लिए? खास तौर से तो शौक से जा रहे हैं। अच्छा, खास तौर से शौक से जा रहे हैं, चलिए ठीक है, सारी थोड़ी हुआ है कि अभी कुछ मांगेंगे। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। क्या नाम है चाचा आपका? ललन कुमार। अच्छा चाचा, ये गर्मी में जो आप लोग एकदम देह हाथ खोल के बैठे हुए, और एक चीज हम जानना चाहेंगे, पीछे होइए कैमरा मैन, ये और गंजी और ये सब जो पहने हुए एक ही रंग का क्यों पहना जाता है, ये हम जानना चाह रहे हैं। मान लीजिए इसलिए पहना जाता है कि सावन में इसका महत्व, इस रंग का महत्व है पूजा पाठ करने में जो जी, रंग जो है प्रसिद्ध है इस रंग को, मतलब शुद्ध रंग है, और मान लीजिए काला पीला हरा पहन के जाएगा ठीक नहीं रहेगा ना। तो एक चीज है, व्यापारी लोग तो महंगा दिया होगा, महंगा सस्ता कितना में खरीदे? महंगा सस्ता जो भी दिया होगा। अच्छा, चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? सौरभ कुमार। तो आप भी सौरभ जी देह हाथ खोल के बैठे हुए हैं? गर्मी है। अच्छा अच्छा, अभी जा रहे हैं कि अभी आ ही रहे हैं? तीर्थ धाम करके आ रहे हैं, जा रहे हैं इधर। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे हमारी दीदी है और उनसे भी जरा राय मशवरा लेंगे और बात करते हैं। आइए हमारे कैमरामैन, आपसे 2 आप लोग से बात करना है। क्या नाम है? बोलिए बात देखिए, क्या नाम है आपका? हमारे कैमरामैन दिखता है, क्या नाम है मैडम? अनीता गुप्ता। तो ये आप अभी गोभी का महीना तो नहीं है, गोभी कहाँ से लाए हैं? अच्छा, गोभी अभी भी मिलता है मार्केट में? तो एक चीज हम जानना चाह रहे हैं कि आप लोग अभी कहाँ जा रहे हैं, कि अभी वहाँ से आए बाबा से मिल के? जानकी, और जानकी से? अच्छा, काठमांडू।
तो इस महीना में क्यों जाया जा रहा है इसका कुछ हम आपसे जानकारी चाहिए। फिर 11 महीना जो है बीच में किसी को हम देखते नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। और एक चीज है, शिव गुरु को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं। चलिए ठीक है। और चाची है, जरा चाची से भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका चाची? अच्छा, घर बलिया। तो यहाँ क्या करने आए हैं? बाबा के जल चढ़ा लिए। अच्छा अच्छा नेपाल। तो इसमें तो पैसा ऐसा बहुत ज्यादा खर्चा लगा होगा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ जो पूरे हिंदुस्तान के जो भी व्यक्ति है, सबसे अनुरोध करते हैं कि साल में जो सावन का महीना है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुशीला और बहुत ही बेहतरीन महीना है और मौसम भी अच्छा है। तो हर आदमी से मेरा निवेदन है कि बाबा से जाके मिले। और बिना गुरु का ज्ञान, बिना गुरु का ज्ञान नहीं है। तो चल रहा है यहाँ पे, जरा सब्जी उब्जी बन रहा है, जरा हम इनसे बात करेंगे। खाना बन रहा है जी जी। हमको रास्ते में आते जाते जी, हैं जी। इतना कष्ट होता है, कहीं रास्ता उबड़ खाबड़ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं बैठने का स्थान नहीं है, कहीं पानी पीने का स्थान नहीं अच्छा, है। अच्छा, एक चीज आपका घर का नाम है? चलिए नंदी बाबा आ गए, नंदी बाबा का फोटो ले लेते हैं। घर बलिया जिला में जी, गढ़वार है जी, गांव है, ग्राम है जी, जी, वहीं पर घर है हमारा। तो यहाँ आपको क्या दिक्कत हो रहा है? कोई परेशानी भी हो रहा है रास्ते में, रोक छेक या प्रशासन से? प्रशासन से कोई परेशानी नहीं, कोई रोड से परेशानी है। तो रोड से है तो वो तो बिहार की सरकार है और बिहार में सबसे नंबर वन बोला जाता है कि विकास है। तो वो तो आप देखते हैं कि बिहार में हमारे नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री है, उनसे अनुरोध करते हैं कि जो भी बाबा धाम जाए और वो अपने भी जाए और रोड में आके जाए, मतलब पैदल जाए। क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? वो तो आएंगे नहीं, उनके बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े MP कहेंगे विकास पे विकास है, यही विकास है। यहाँ जो होना चाहिए 10 रूम, 4 रूम होना चाहिए। अच्छा एक चीज है, यहाँ जो आप आए हैं मंदिर में, तो ये पुजारी जो बाबा आज देख रेख करते हैं, वो रोक भी लगाए? कोई वो तो बोले कि जैसा खाना बनाइए, जब जब जाना हो, इच्छा हो जब जाइए, कोई रोक नहीं। लेकिन व्यवस्था यहाँ अच्छा होना चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए, व्यवस्था रुकेंगे जी जी, यहाँ पे व्यवस्था होना चाहिए। देखिए कैसे व्यवस्था है, दीदी सब इधर प्याज काट रही है, उधर काट रही है, पर्दा होना चाहिए, मकान होना चाहिए यहाँ पर कुछ जी जी, बैठने के लिए उन लोगों के लिए कहीं ना है? जी तो कुछ नहीं होता है। तो चलिए बहुत अच्छी बात है। और यहाँ हमारे मिर्चाई को दिखलाइए, बहुत अच्छी बात है। और यही कहेंगे, बहुत खुशी की बात है, सावन का महीना है और सब आदमी मिलजुल के जाए, पूजा पाठ करे। और घर में जो माता है, पहले माता को पूजे, पिता को पूजे, फिर उसके बाद तीसरा गुरु को पूजे, गुरु को पूजे। जय हिंद जय भारत।